नमस्कार द पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। भारत डिजिटल होता जा रहा है और इसमें एक कदम NHIA ने भी बढ़ाया है। आपको बता दें कि भारत के जितने भी टोल प्लाजा हैं उसे डिजिटल किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को जो है वो 1 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा। अब आपको लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। आपको बता दें कि 1 तारीख से जितने भी टोल प्लाजा हैं वो डिजिटल होने जा रहे हैं। अब आपको कैश नहीं देना पड़ेगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आपको सुनाते हैं। 1 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग के हर टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा। इसके लिए NHAI पूरे देश में महाअभियान चला रहा है। डिजिटल पेमेंट के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कार्यक्रम फास्टैग लॉन्च किया गया है। NHAI का दावा है कि फास्टैग व्यवस्था से टोल प्लाजा पर जाम की समस्या हल हो जाएगी। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि 1 दिसंबर तक राष्ट्रीय राजमार्ग की सभी लेन फास्टैग कर दी जाएंगी। सिर्फ एक लेन हाइब्रिड होगी जिससे फास्टैग के साथ साथ अन्य मोड में भी पेमेंट स्वीकार किया जाएगा। प्रत्येक NH टोल प्लाजा के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो फास्टैग ट्रायल को मॉनिटर करेगा। फास्टैग ऐप या निजी व पब्लिक सेक्टर के बैंकों से फास्टैग को रिचार्ज कराया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर 1033 से नज़दीकी फास्टैग पॉइंट ऑफ सेल की जानकारी ली जा सकती है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने यह भी बताया कि गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अगर टोल प्लाजा पर कोई बिना फास्टैग वाला वाहन फास्टैग लेन में प्रवेश करता है तो उसे निर्धारित शुल्क से 2 गुना शुल्क देना होगा। सिर्फ एक लेन ही ऐसी होगी जहां अन्य किसी मोड में से पेमेंट किया जा सकता है। सर, NHAI एक बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा है, हिंदुस्तान के तमाम टोल प्लाजा को डिजिटल करना जा रहा है, किस तरह से ये पूरा जो है अब डिजिटल करने जा रहे हैं इसे? देखिए, पूरे भारतवर्ष में लगभग 350 NHAI का टोल प्लाजा है जिसमें बहुत सारे लेन हैं। कहीं 8 लेन हैं, कहीं 10 लेन हैं, कहीं 16 लेन हैं। ये सारे टोल प्लाजा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 1 दिसंबर से फास्टैग कर दिया जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन किया जाएगा। इससे आपके समय की काफ़ी बचत होगी, आपको काफ़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये जो फास्टैग है ये एक तरह से चिप्स है जो आपके गाड़ी के फ्रंट में लगाया जाएगा। और हर टोल प्लाजा में RFID रीडर लगा हुआ है जो उससे उस आपके जो टोल चार्ज हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे और इमिडिएटली आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा कि आपके इतने पैसे डिडक्ट हो गए टुवर्ड्स टोल फी। और जब जब आपको लगेगा कि पैसे कम हो रहे हैं, ये टोल प्लाजा में ही रिचार्ज फैसिलिटी है, आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। जो फास्टैग है इसको लगाने के लिए जगह जगह POS पॉइंट ऑफ सेल बनाए गए हैं। जैसे एक तो टोल प्लाजा ही है, हर टोल प्लाजा में ICCI बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, PayTM के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ICCI बैंक के हैं, आप उनसे फास्टैग ले भी सकते हैं, फास्टैग का रिचार्ज भी करा सकते हैं, ये आप वहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ पेट्रोल पंप में ये अरेंजमेंट रखा है। इसके अलावा जितने भी आपके पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांचेज हैं, जिसमें जितने भी HDFC के ब्रांच हैं, जितने भी ICCI बैंक के ब्रांच हैं, जितने PayTM हैं, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, कहीं भी जाके आप रिचार्ज कर सकते हैं, कहीं भी जाके फास्टैग ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि फास्टैग लेन की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम मौजूद है बन टोल प्लाजा में, जहां पर आपको बता दें कि ये एक लेन जो है उसकी शुरुआत की गई है। और ये आपको लेन बता दें, ये वो फास्टैग लेन है जहाँ पर लोग जो जहाँ से वही गाड़ियाँ गुजरेंगी जिन गाड़ियों में जो है वो फास्टैग चिप लगाई गई है। कुछ अधिकारी भी हैं जो कि लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपको बताएं सर, आप ये फास्टैग है क्या है और किस तरह से ये फास्टैग काम करेगा? जी, ये एक चिप है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट होगी। अब कैशलेस पेमेंट को बंद, मतलब कैशलेस पेमेंट बनाएंगे हम इसको, और इससे क्या होगा कि चिप से सारे पेमेंट कटेगी। अब आपको जाम में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन से क्रॉस हो जाएगी विदाउट एनी हैजल, और कोई जाम नहीं, कहीं खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें अगर 1 दिसंबर के बाद आप पेमेंट कैश से करते हैं तो उसका डबल टोल दिया
लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ये चला रहे हैं, तो उसके बाद अगर जब ये फुल लेन हो जाएंगी तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं आने जाने। जैसे आप देख सकते हैं ये जाम लगा हुआ है, तो कितना प्रॉब्लम हो रही है। तो लोगों को इस परेशानी से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है। तो जो फास्टैग चिप्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ जाके जो है ये फास्टैग चिप लगा सकते हैं? फिलहाल तो हमारा कैश काउंटर यहाँ पे खुला हुआ है। वैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, ICICI बैंक है, HDFC है और एक्सिस बैंक है, ये जो बैंक हैं ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो बाकी आप हमारे यहाँ कैश काउंटर से आप करवा सकते हैं, 100 रुपीज़ चिप से ऑफ़र हो रही है। तो क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या रहेंगे? चार्जेस हमारी तरफ से 100 रुपीज़ की चिप है, तो बाकी आप रिचार्ज वगैरह जितना आप चाहें मंथली करवा सकते हैं, वो मिनिमम रेट्स के मुताबिक होगा और बैंक के अपने रेट्स हैं, बैंक का उनका अपना रेट होगा, वो आप वहाँ से बैंक से जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो आप साफ तौर से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फास्टैग लेन है वहाँ पर आपको जाम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कैश काउंटर की बात करें तो अभी भी लंबी लंबी कतारें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। लेकिन अगर आपके पास फास्टैग चिप आपकी गाड़ी में इंस्टॉल है तो आपको किसी भी टोल प्लाज़ा पर लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको ये बता दें कि 1 दिसंबर से जितनी भी टोल प्लाज़ा हैं वो सब के सब फास्टैग लेन में तब्दील हो जाएंगी, आपको लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपके पास फास्टैग चिप नहीं है तो आप अगर फास्टैग लेन से गुजरते हैं तो आपको डबल टोल जो है वो देना पड़ेगा। आपको बता दें कि अगर 3 महीने का समय भी अभी जो है NHIA ने जो है वो दिया हुआ है, 3 महीने तक सिर्फ एक कैश काउंटर रहेगा और जितने भी जो दूसरे रहेंगे वो सब फास्टैग लेन से आपको गुजरना पड़ेगा। और अगर आपने ये फास्टैग चिप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल नहीं की है तो जल्द से जल्द अपने गाड़ी पे फास्टैग चिप जो है वो इंस्टॉल कर लें।